हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्ड पार मेड इजी का सेशन टू। इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें हम लोगों ने वर्ड के रूट्स समझे थे। ईगो, ईगो का मतलब होता है आई। ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है बदलाव। तो ईगो और ऑल्टर, ये दोनों शब्द जो देखे थे लैटिन रूट के, ईगो मीन्स आई, ऑल्टर मीन्स बदलाव, इससे हम और नए वर्ड्स अब बनाना सीखेंगे, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो लैटिन लैंग्वेज से ही डराइव्ड है। हाँ, तो हम उसकी हेल्प से बहुत सारे वर्ड्स और भी बना सकते हैं। तो द ईगो, ईगो का मतलब देखो होता है आई। इससे पहले वाला चैप्टर था, हम लोगों ने ईगो से ईगोइस्ट और ईगो टेस्ट के बारे में पढ़ा था। तो ईगो का मतलब आई होता है। तो ईगोइस्ट माइंड जो होता है, वो ईगोइस्ट जो पर्सन होता है, वो आई शब्द का ओवरयूज बहुत करता है, मतलब आई शब्द को बहुत बार इस्तेमाल करता है ऐसा व्यक्ति जो कि ईगोइस्ट होता है। कि अब हमारे दिमाग में डिफरेंस होना चाहिए ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में। तो टी टॉक, तो ईगोटिस्ट कौन होगा? जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा टॉकिंग करेगा, अपने बारे में बहुत ज़्यादा बात करेगा, वो ईगोटिस्ट होगा। ईगोइस्ट जो अपने बारे में सोचेगा, मतलब सेंटर ऑफ द यूनिवर्स उसके लिए वो खुद है, और ईगोटिस्ट जो अपने बारे में अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनेगा, अपने बारे में बात करेगा, वो होगा ईगोटिस्ट। तो ईगो इटसेल्फ हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन एज एन इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड एंड इज कॉमनली यूज टू डिनोट वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वनसेल्फ। अपने बारे में ही जो बात करें वही ईगो होता है। अब ईगो से हमने ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट समझा था। अब और शब्द समझते हैं। ईगो से होता है ईगो सेंट्रिक। तो सेंटर, सेंटर का मतलब होता है बीच। तो ईगो सेंट्रिक, ईगो सेंट्रिक एक ऐसा व्यक्ति होगा जो खुद को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स समझेगा। वो सोचेगा कि यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो उसके लिए हो रही हैं, या फिर पूरे यूनिवर्स का सेंटर वही है, वही दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंसान को हम कहेंगे कि वो इंसान बड़ा ही ईगो सेंट्रिक है, वो खुद को पता नहीं क्या समझता है। हम कहते हैं ना, पता नहीं क्या समझता है, वो ईगो सेंट्रिक होते हैं। ईगो सेंट्रिक ऐसे जो एक्सट्रीम, मतलब अपने बारे में सोचते हैं, अपनी डिज़ायर के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में, उनका मतलब अपने बारे में ही सोचना होता है, तो वो होता है ईगो सेंट्रिक। कंसीडर वनसेल्फ एज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। एक और वर्ड इससे निकलता है ईगो मैनियाक। मैनिया, मैनिया होता है पागलपन, ठीक है, सेंटर होता है बीच का। तो ईगो सेंट्रिक जो अपने बारे में सोचता रहता है, ईगो मैनिया ईगो सेंट्रिक से भी बड़ा हुआ, मतलब वो तो हद मचा देता है, अपनी ज़रूरतें, अपनी इच्छाएं, उसका ऑब्सेशन बन जाता है, मतलब बाकी दूसरी चीज़ें तो वो टॉलरेट ही नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो, मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है कि डेंजरस और स्लाइटली मैड, पागलपन सा हो जाता है, तो वो होता है ईगो मैनियाक। तो देखो, ईगो सेंट्रिक जो है इज बोथ अ नाउन। तो व्हाट एन ईगो सेंट्रिक हर न्यू रूममेट है। तो ईगो सेंट्रिक मतलब सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी कैसी है उसकी न्यू रूममेट। और ये एक एडजेक्टिव भी है, ही इज़ द मोस्ट ईगो सेंट्रिक पर्सन आई हैव एवर सीन। तो देखिए, ये नाउन्स और एडजेक्टिव, जैसे मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है ना वर्ड पार मेड इजी वाली, ऐसे ही अब मैं पूरी की पूरी ग्रामर की सीरीज भी स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें हम स्टार्टिंग से आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन जो होते हैं वो सारे के सारे समझेंगे। तो ये नाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो है वो विशेषता बताने का काम करता है, ठीक है। नाउन जो है वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु है ना, वो होता है संज्ञा, संज्ञा जो नाउन होता है। अब ईगो सेंट्रिक जो अपने बारे में बात करें, ईगो मैनियाक जो मतलब हद से ज़्यादा, तो ईगो सेंट्रिक क्या हुआ, जो बस अपने ही बारे में सोचे। ईगो मैनियाक होता है स्लाइटली मैड, हल्का सा ईगो मैनियाक जो थोड़ा सा खिसका हुआ टाइप का होता है ना, उसको हम बोलते हैं ना, बड़ा खिसका हुआ टाइप का व्यक्ति है, तो उसको हम ईगो मैनियाक भी बोल सकते हैं। तो आप एडजेक्टिव किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आप उसके आगे क्या लगाते हैं, ए एल। किसी भी चीज़ का अगर आपको एडजेक्टिव बनाना है तो ए एल लगाते हैं, तो डिराइव द एडजेक्टिव ईगोमैनियाक को ईगोमैनियाकल आप बोल सकते हैं। ईगो से हम लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है अदर, या फिर दूसरा, या फिर बदलाव, या फिर कुछ डिफरेंट होता है ऑल्टर। तो लैटिन में जो अदर वर्ड है उसके लिए हम लोग ऑल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रुइज्म हमने पढ़ा था, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचे, उसको हम लोग एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं, या फिर एल्ट्रुइज्म की भावना परोपकार की भावना होती है, जो दूसरों के बेनिफिट के बारे में सोचे। तो ऑल्टर का मतलब दूसरा होता है, अदर होता है। तो ऑल्टरनेट, कई बार बोलते हैं ना, इस पेन का ऑल्टरनेट क्या है, यानी कि इस पेन के अलावा कोई दूसरा पेन भी हो सकता है क्या, तो वो होता है ऑल्टरनेट। अब आपको समझ आया कि ऑल्टरनेट जो शब्द है वो जो काफ़ी इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से आया। ऑल्टर का मतलब दूसरा होता है, अदर होता है। ऑल्टरनेट मतलब इसके अलावा क्या कुछ अदर है, ऑल्टरनेट है। तो ऑल्टरनेट का मतलब होता है दूसरा, अदर, अदर पर्सन, अदर थिंग, ठीक है।
तो ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव होता है इसके अलावा, हो गया, इस तरीके से बनता है। तो हम लोगों ने ऑल्टर का मीन्स देखा अदर, आप लोग अब ऑल्टर से ही और चीज़ें, ऑल्टर ईगो, ऑल्टरकेशन और ऑल्टरेशन, ये तीन शब्द और नए सीखेंगे हम। कौन कौन से? ऑल्टर ईगो, ऑल्टरकेशन और ऑल्टरेशन। देखिए ऑल्टरेशन तो हम लोगों ने अभी समझ लिया है, दोबारा से भी समझेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑल्टर ईगो से। ऑल्टरेशन का मतलब होता है चेंज, मेकिंग इंटू समथिंग अदर, जो आपकी चीज़ है उसको आप कुछ और बना रहे हैं, मेकिंग इंटू समथिंग अदर, ये होता है ऑल्टरेशन, राइट। ऑल्टरेशन होता है जो चीज़ अभी है उससे कुछ आपने चेंज कर दिया, आप अपने कपड़ों को ऑल्टर कराते हैं ना, ऑल्टर कराते हैं मतलब कुछ चेंज करते हैं उसमें, तो होता है ऑल्टरेशन। आपने अपने प्लान्स बदल दिए, तो आपने अपने प्लान्स क्या कर दिए, ऑल्टर कर दिए, तो ये हो गया बदलाव। अब ऑल्टरकेशन, केशन जो है ना वो लड़ाई के लिए होता है, तो ऑल्टरकेशन हो गया वर्बल डिस्प्यूट। एक तो होती है क्वेरल, क्वेरल होता है लड़ाई, ऑल्टरकेशन ना क्वेरल, लड़ाई से भी ऊपर वाला लेवल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हीटेड और बहुत ज़्यादा हीटेड, गुस्से वाला डिसएग्रीमेंट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से बहस हो रही है ना, उसको हम लोग ऑल्टरकेशन बोलते हैं। तो ऑल्टरकेशन क्या होती है, बहुत ही गंदी तरीके से अगर बहस हो रही है, कुछ दिक्कत, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो हम उसको वर्बल डिस्प्यूट, वर्बल मतलब मुंह से बोली हुई डिस्प्यूट, झगड़ा, वर्बल डिस्प्यूट ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन होता है लड़ाई, ऑल्टर मतलब अदर, दूसरे से जो लड़ाई बुरी तरीके से, उसको हम लोग ऑल्टरकेशन बोलते हैं। लड़ाई के लिए क्वेरल, डिस्प्यूट, इन शब्दों का भी इस्तेमाल होता है। अब आता है ऑल्टर ईगो, ऑल्टर ईगो, ऑल्टर मतलब अदर, ईगो मतलब आई, ऑल्टर ईगो होता है अदर सेल्फ, मतलब मेरा ही बिल्कुल दूसरा, ऐसा होता है ना कई बार कुछ लोग होते हैं कि यार वो तो बिल्कुल मेरे जैसा है, जैसा मैं हूँ ना ऐसा ही वो है, तो वो आपका ऑल्टर ईगो है। अगर कोई बिल्कुल आपके जैसा है तो वो आपका हुआ ऑल्टर ईगो। तो ऑल्टर ईगो विच कंबाइंस ऑल्टर अदर विद ईगो, आई सेल्फ जनरली रेफर टू समवन विद हुम यू आर सो क्लोज दैट यू बोथ डू द सेम थिंग्स। आप उस व्यक्ति से इतने ज़्यादा क्लोज हैं, आप बिल्कुल एक दूसरे की परछाई जैसे, एक दूसरे की परछाई होना, वो होता है ऑल्टर ईगो होना, ऐसे कहते ना, ये तो उसकी बिल्कुल परछाई है, तो वो उसकी ऑल्टर ईगो है। तो हमने ऑल्टर ईगो, ऑल्टरकेशन, ऑल्टरेशन समझा, और ईगोसेंट्रिक और ईगोमैनियाक, बेसिकली पांच शब्द हम लोगों ने इस सेशन में सीखे हैं। अब प्रोनंसिएशन है तो ईगो, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनियाक, ईगोमैनियाकल, ऑल्ट्यूरिज्म और ऑल्ट्यूरिस्टिक, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट, ये आता है, ठीक है, ये वाले सारे हो गए। अब हम लोग ऑल्टर ईगो, आई सेल्फ, ये रूट वर्ड्स हम लोगों ने सीख लिए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। ईगो, ईगो जो शब्द है ये होता है मैं, वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, हमारा जो खुद का कॉन्सेप्ट होता है हमारे लिए ही वो होती है हमारी ईगो, मीन्स आई, वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, इसका डी से कनेक्शन, डी से हमारा जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर है ईगो सेंट्रिक, ईगो सेंट्रिक का जो मतलब होता है वो जो अपने बारे में, वन हु एक्सेसिवली फिक्सेटेड ऑन हिज ओन डिजायर्स नीड्स, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, दुनिया का मतलब दूसरों के बारे में ना सोचे। ऑल्टरिज्म, ऑल्टरिज्म जो है वो भलाई करना, फिलोसफी ऑफ पुटिंग अदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन। टू ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है तो चेंज, टू बदलाव करना, ये हो गया ऑल्टर, ये वाला। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन तो लड़ाई झगड़ा होता है। टू अल्टरनेट, अच्छा अल्टरनेट, अल्टरनेट होता है कोई दूसरा, टू टेक वन स्किप अदर, मतलब ये वाला छोड़ के ये वाला ले लो, तो वो अल्टरनेट होता है। और टू ऑल्टर मतलब बदलाव करवाना, ऑल्टरकेशन होता है लड़ाई झगड़ा, ये हम लोगों ने देख लिया। तो आगे की एक्सरसाइज भी ना सारी की सारी इसी तरीके से होती हैं। ये देखो ईगो मैनियाकल, जो मतलब थोड़ा सा खिसका हुआ सा हो, है ना, मॉर्बिडली ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इनटू वनसेल्फ, अपने बारे में ही सोचे सिर्फ। एल्टोरिस्टिक, जो मतलब दूसरों की भलाई के बारे में सोचे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो सारे सीख लिया ना, इस बुक में बाद में ना एक्सरसाइज दी गई हैं, तो ये जो है एक्सरसाइजेज हैं, फिर मैंने सारे के सारे सॉल्व, मैं जब सेशन कंप्लीट कर रही थी, वाला प्रिपेयर कर रही थी, तब मैंने सारे सारे सॉल्व करे थे। तो इस तरीके से आप भी, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप ये, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये बुक परचेज करें। लिंक मैं आपको दे दूँगी, अमेजोन पर मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पर, कहीं से भी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी जा करके आप लोग बाय कर सकते हैं। तो ये जो है ना वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेशन आप लोग करें, पढ़ें, और फिर उसके बाद ये सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट इससे होगी। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आप, थैंक यू सो मच।